हेलो स्टूडेंट, आईसीएससी बोर्ड प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अभी ये आईसीएससी बोर्ड की 10th और 12th क्लास की एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसको लेकर के नई दिल्ली आईसीएससी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले ही परीक्षा हॉल में उपस्थित होना होगा। साथ ही प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने का, उसके अलावा 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम छात्र छात्राओं को दिया जाएगा ताकि वो क्वेश्चन पेपर को और इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि विशेष मामले में जो छात्र केंद्र पर आधे घंटे से ज़्यादा देरी से पहुँचेगा उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग आधा घंटा लेट पहुंचेगा। परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होकर 23 मई 2022 तक चलेंगी। बोर्ड के उसे जारी दिशा निर्देश के अनुसार किसी प्रश्न में यदि किसी सामग्री में मुहैया कराए जाने की बात की गई तो छात्र इसके लिए परीक्षक से सामग्री मांग सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर में सिर्फ काला व नीला पेन का इस्तेमाल करना है। किसी रेखा की चित्र को बनाने के लिए सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। छात्रों को उत्तर पुस्तिका के सबसे ऊपर अपने हस्ताक्षर करने के साथ यूआईडी नंबर लिखना होगा। वहीं उत्तर पुस्तिका में पन्ने के दोनों तरफ लकीरें डालकर लिखने के लिए कहा गया है, जिससे सभी पन्नों का इस्तेमाल किया जा सके। बोर्ड ने परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 25 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगी परीक्षाएँ।